हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। एंड अगर आप मेरे को नहीं जानते और इस शक्ल को पहली बार देख रहे हो, तो मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ यूरोप में लाइक जर्मनी में, एंड मैं बनाती हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू जर्मनी एंड ट्रैवल विद इन यूरोप। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आप लोग बहुत बारी मेरे से इसके बारे में पूछते हो, एंड एज आपको पता है कि मैं यहाँ पे एज अ नर्स काम करती हूँ, तो इसीलिए मैं उसके प्रोसेस के बारे में आपको और डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो मैंने बेसिकली एक सीरीज़ टाइप की शुरू की थी, लाइक मैंने ऐसे उसको नेम नहीं किया है, बट मैंने सोचा था कि मैं स्टेप बाई स्टेप या वीडियो बाई वीडियो मैं बनाती जाऊँगी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ अनारकैनुंग, और थोड़ा बहुत मैंने उसमें ब्रीफ आपको बताया था कि अनारकैनुंग में क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप दूसरी कंट्री से जर्मनी में काम करने आते हो या किसी भी कंट्री में जाते हो, इंडिया से या किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हो, और अगर आपको नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में काम करना है, तो आपको पहले अनारकैनुंग करना पड़ता है। तो अनारकैनुंग का मतलब होता है रिकॉग्निशन। एंड आपको और डिटेल में जानना है तो मैं अपनी वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लेना मेरी ओल्ड वीडियोज़, तो उससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि अनारकैनुंग के बारे में। तो अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो जो अनारकैनुंग होता है, तो आपको पता है कि वो आपको करना है लाइक, ठीक है, बट कैसे आप करोगे? तो उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। तो आपका जो पार्शियल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको चॉइस होती है दोनों में से, आप कोई भी प्रोसेस के थ्रू अपना अनारकैनुंग पूरा कर सकते हो। तो पहला जो प्रोसेस है वो होता है आनपसुंग्स लेरकांग, ठीक है, नंबर वन, एंड नंबर टू है कैंटनिस प्रोफुंग। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आनपसुंग्स लेरकांग किया है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल के पर भी। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई हॉस्पिटल कैंटनिस प्रोफुंग ही प्रेफर करते हैं, या कोई हॉस्पिटल सिर्फ अनपसुंग्स लेरकांग ही कराते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चाहोगे कैंटनिस प्रोफुंग हो जाए और आपका हॉस्पिटल वो नहीं करा रहा होगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से भी आपको, जैसे आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो अब मैं बता देती हूँ जो आनपसुंग्स लेरकांग होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका पार्शियल रिकॉग्निशन का जो सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपके जिस भी एरियाज में आवर्स कम होंगे या जिस भी एरियाज में आपको अपने आवर्स पूरे करने होंगे, तो उस एरिया में आपकी पोस्टिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सर्जरी में कम आवर्स हैं आपकी डिग्री के हिसाब से, मतलब जो वो एनालाइज करके आपको देंगे, तो आपको सर्जरी में मान लो कि 2 हफ्ते में आपका वो आवर्स पूरा हो जाएगा, तो 2 हफ्ते आपको वहाँ पर ड्यूटी करना है। देन जब आपकी वो आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका फिर एक एग्जाम होगा, एंड आप एग्जाम में अगर पास हो जाओगे तो ठीक है, अगर नहीं होगे तो फिर से आपको फिर उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और वो प्रोसेस थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो अगर सपोज आप उस एग्जाम में पास हो गए, एंड मान लो कि ऐसे आपको आवर्स रिपीट करने हैं, लाइक आपको पूरे करने हैं लाइक 5 एरियाज में, तो हर जगह आपकी बारी बारी करके ड्यूटीज लगेंगी। मतलब वो डिपेंड करता है आपके कितने आवर्स है, मान लो किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पार्शियल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आपको वो आवर्स पूरे करने के बाद हर लाइक डिपार्टमेंट में, हर जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा एंड में। एंड जैसे ही आपने सारे एग्जाम्स पास कर लिया एंड अपने सारे जो आवर्स है वो पूरे कर लिए अपने जिस भी डिपार्टमेंट में आपके कम थे, तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको आगे फिर अपने जो भी काउंसिल होंगी, नर्सिंग काउंसिल या जो भी ऑफिसेस होते हैं, तो वहां पे इनको सेंड करना है, एंड देन आपको थोड़े दिनों के बाद अपना रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, सो गाइज अब बात करते हैं कैंटनिस प्रोफुम की। तो इसमें क्या होता है, कैंटनिस का मतलब होता है नॉलेज और प्रोफुम का मतलब होता है टेस्ट। तो कैंटनिस प्रोफुम मतलब नॉलेज टेस्ट आपका। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा एग्जाम्स नहीं होते आपका, मतलब जैसे अनपसुंग्स लेरकांग में, और उसमें ये डिफरेंस है, जैसे आपको हर डिपार्टमेंट में आपके आवर्स पूरे करने पड़ेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ओवरऑल आपका बस एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो थ्योरेटिकल एग्जाम में वो सारा कवर कर लेते हैं, आवर्स में भी आपको मतलब उस डिपार्टमेंट में पूरे करने पड़े, जब आपके आवर्स पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में वो लोग आपको प्रैक्टिकली, जैसे हमारा होता है जो मतलब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये सब वो देखेंगे, ठीक है। एंड जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक थॉरली आपको पढ़ना पड़ेगा जर्मन की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, मतलब मेडिकल की जो जर्मन में, तो वो सब आपको वो लोग पूछेंगे, या किसी भी टॉपिक को उठा के उसके बारे में पूछेंगे, जैसे इंडिकेशन होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब जो भी होता है, मतलब हर चीज़ पूछ सकते हैं। इवन आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेशेंट अलॉट होगा तो आपको उसकी केस स्टडी बतानी है पूरी, ठीक है। तो ये सब होता है, केस प्रेजेंटेशन, ये सब प्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसा होता है। फिर जब आप इसमें भी पास हो जाओगे तो लास्ट में आपको वही करना है, आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो यहाँ के काउंसिल को भेजने हैं, एंड देन आपको फिर
लास्ट में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मिल जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन को जनरल कहते हैं उरकुंड, जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिलता है। तो ये था कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। खैर बताने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो आनपासुंग लेरगांग होता है, तो जैसे पर्सनली मैंने वो प्रेफर किया है, वो थोड़ा सा सेफ रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आपके ऐसे नॉलेज होती है कि जैसे आपने काम किया और एग्ज़ाम हुए और आपका फिनिश हो गया मतलब वहाँ पे। बट जो कैंडिनेस प्रूफिंग है वो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग लगता है। मतलब खैर दोनों में सेम ही टाइम लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे, मतलब अगर काम करोगे और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो थोड़ा काम अलग होता है, तो आप भूल जाते हो और इतना याद नहीं रहता है। तो फिर मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप आनपासुंग लेरगांग करो, बाकी आपकी चॉइस है जो भी आप करना चाहो, ठीक है। बाकी कैंटिनस प्रूफिंग में ये भी होती है एक अच्छी बात कि आप एक ही एग्जाम दोगे लाइक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल, तो आपका खत्म हो जाएगा, आपको 5-4 ऐसे एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सब था। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा बिकॉज मैं अभी नाइट शिफ्ट से आ रही हूँ। खैर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती, बट मैं ये चाहती थी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो मेरे को अभी टाइम मिला था, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं, 7:45 हो रहे होंगे, आई थिंक 7 बजे नहीं है, तो वही। एंड मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, एक ही नाइट थी मेरी, आज ऑफ है एंड कल दोबारा मेरी शिफ्ट्स है। एंड सॉरी गाइज मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाती, बट मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से बेस्ट कि मैं एक्टिव रह पाऊँ। एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दे दूँगी, तो मुझे फॉलो कर लेना जाकर, ठीक है। एंड प्लीज़ 2000K कर दो यार, अभी तक 2000 नहीं हुए मेरे सब्सक्राइबर। एंड मेरी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं और क्या वीडियोज़ बना सकती आप लोगों के लिए, तो मैं जरूर बनाऊंगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।